फर्स्ट टाइम uh, uh, मैंने इनको पगारो में ही देखा था पगारो mm. की ट्रेलर में देखा था एक्चुअली mm. और मैं भी चाहता था कि फिल्म देखूं बिकॉज बहुत लोगों ने कहा था mm. you know, the, exactly. रिलीज हुई थी the, I mean, मेरे जितने भी यू नो फ्रेंड्स हैं नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं या फिर कन्नडी गाज या फिर कोई भी मुस्लिम फ्रेंड्स हो जिन्हें कन्नडा फिल्म में पसंद है उन्होंने जाके वो फिल्म देखी थी उन्होंने मजे करके आए थे वो बोले थे बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख पाया आई थिंक दिस इज अकेंड

ओके सो स्टार्ट द रिएक्शन उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब लिया नोटिफिकेशन रिंग मोर एंटरटेनमेंट एंड यू कैन फॉलो इन 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 इंस्टाग्राम कि डिटेल्स हमने दिए एंड आई लव थंबनेल लेट्स स्टार्ट गुड हो The gun, the It's not a joke. Oh, yes. What do you say? Oh.

पावर आ, इट्स बिकॉज ऑफ द बेस आई थिंक थोड़ा वॉइस कम करके सुनते हैं पावर 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 है लेकिन इसके लिप्स में प्रॉब्लम hey. प्रौ आ रहा है फोन के लिप्सिंग में डट्स पे वहीं पे प्रॉब्लम हुई, लिप्सटिंग में कुछ प्रॉब्लम किया उन्होंने हाँ

ओके एक्सट्रीमली सॉरी वो समझ में ही नहीं आ रहा नो इन कमेंट बॉक्स क्या हम लोग बहरे हो गए क्या नहीं 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 वो कुछ फर्क है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है वहाँ पे हाँ मे बी आई थिंक इसके बाद हम लोग शायद हेडफोन यूज करके देखें hmm. uh, तो शायद हमें समझ में आ जाए hmm.

आई थिंक इनके क्या क्या इनके जैसे एक्टर को शायद इनको रोमांटिक फिल्म सब वगैरह ज्यादा उतना सूट ना करें जितना की एक्शन फिल्म इनको सूट करेंगे रोमांटिकॉम कॉम टाइप ऑफ फिल्म आई थिंक एक्शन फिल्में इस तरीके के एक्टर्स के लिए बने हुए हैं आई थिंक दिस गायल गायरी बल्कि कभी कभी तो कन्फ्यूजन होता है दिलुस रजा में राना दघुपति में <laughs> एक और एक्टर है उनके जैसे तेलुगु इंडस्ट्री में वो एक हैं uh, ये तो इसमें था ना आई एव ऑलवेज कन्फ्यूजन बिटवीन राना दघुपति एंड दन एक्टेड इन चेन्नई एक्सप्रेस द विलिन अहो यार मेरे साथ भी होता था hmm. मेरे साथ भी होता था चेन्नई एक्सप्रेस जब मैंने देखा तो आई वाज नॉट यू नो बहुत I के नाना देवगन नाना देवगन ही सोचते वो आई थिंक ही इज समवन फ्रॉम बॉलीवुड नहीं हां

ओके सो कमिंग टू दिस वन मार्टिन मार्टिन के लिए आई लव दट समथिंग और बी वेरी अमेजिंग एंड आई लव द वे द ट्रेलर वॉज डिजाइंड एंड लव द वे द ट्रेलर वॉज लाइक कंप्लीटली वो जो क्या होता है उसमें जो दिखाया गया था उसमें जो लिरिक्स थे और सॉरी जो वर्ड्स थे और जो लेयर्स थे वहाँ पे हां वेरी वेल डिजाइन गन चोज मी एंड एंड वो जो थ्रस्टर्स उसके ग्राफिक्स थे इट्स वेरी गुड एंड कन्नडा इंडस्ट्री इज गोइंग प्लेसेस अभी आई थिंक पैन इंडिया फिल्म बनाने का जो क्रेज है ना वो शायद आई थिंक कन्नडा फिल्म में ही आगे लेके जाएगी हां देयर वाज अ टाइम वेयर कन्नडा मूवीज वर नॉट अलाउड टू गेट डब्ड इन और एक भी सीन था ना कि थिएटर में आने के बाद जब तक छह महीने तक वो फिल्म ना डीवी डी आती थी ना कुछ आती थी mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. uh, जब तक थिएटर में लगी है, I think movie ऐसी है जो आज भी हंड्रेड डेज उस पर बिलीव करते हैं आज भी वो वो आज भी चलता है तो पता है बंगारो मल्ले के वहाँ पे एक थिएटर में आई थी

बाद में उसमें उसे बोलते थे टेंट वगैरह बोलते थे थे टेंट बोलते फिर आया जब साउंड के साथ आया बाद में उसमें पिछड़े में बात नहीं उसे बोलते थे टॉकीज बोल के ओके okay. बोलते टॉकीज बोलते वो जमाने का था वहाँ पे अच्छा इसलिए सिंगल स्क्रीन टॉकीज बोलते थे उसके बाद वो बड़ा उस, उसके बाद बढ़ता बढ़ता अभी आई थिंक सिंगल स्क्रीन बहुत कम रह गए नहीं ऑलमोस्ट हैंंगलोर में बोल रहा हूँ बहुत कम रह गए हैं पहले की सरकार नहीं है नहीं, वो सरवाइव कर नहीं सके वो बहुत सारे सरवाइव नहीं कर सके एंड आल्सो आजकल का जो माहौल है उसके हिसाब से यू नो मल्टीप्लेक्स में ढाई सौ तीन सौ में टिकट मिल रही है हाँ बट कन्नडा मूवीज के लिए वगैरह तो सिंगल स्क्रीन चलता है मोस्टली नॉट ओनली कन्नडा फिल्म्स आई थिंक दे मेनी एक्टर्स फिल्म ऑल ओवर द इंडिया तलपति विजय हो uh, या फिर हमारे सूर्या हो hmm. या फिर सलमान खान हो इनकी सब फिल्में hmm. सिंगल स्क्रीन में देखने का ही मजा आता है क्योंकि नहीं उसका और क्या है कि आपको <laughs> मल्टीप्लेक्स में दिन लेटी हो ना बर्न बर्स क्रैकर्स हाँ क्रैकर्स तो मैंने नहीं देखा है आ, नाचना चीखे मारना कनाडा में बहुत क्रैकर्स होते हैं अच्छा नहीं, I have not gone. मैं I मैं have been to many movies of Canada. Canada first day first show बहुत देखे हैं.

आई थिंक uh, ये मौका मिल जाता हमें क्योंकि uh, बॉलीवुड की कुछ फिल्में आने वाली हैं hmm. बॉलीवुड या है फिर कोई दूसरी लैंग्वेज की कोई भी नहीं है फिल्म बॉलीवुड की भी आ रही है लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ में दैट्स वेल बॉटम स्पेशली क्या है कि थिएटर्स में द बेस्ट पार्ट इज़ दैट के एक्सप्रेशन थिएटर का सिंगल क्या होता है कि पिक्चर शुरू होने के बाद वेन यू एंटर जाके बैठते हो उसमें क्या होता है कि पिक्चर एक अजीब तरह की स्मेल होती है वहाँ पर अच्छी सी स्मेल होती है सिंगल स्क्रीन में और आई थिंक मेरा लास्ट फिल्म कौन सी थी पता है मैं आज भी पछताता हूँ मैं क्या पनौती फिल्म थी यार वो करके hmm. थिएटर में देखी थी कौन सी बोलो गेस्ट करो um. बाकी थ्री